बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन की फिल्म नियत 7 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इसे दर्शकों और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। सिनेमा घरों में रिलीज होने के लगभग 2 महीने बाद मर्डर मिस्ट्री इस फिल्म 1 सितंबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हो गई है। OTT प्लेटफॉर्म ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घोषणा की, झूठ को बेनकाब करना एक समय में एक संदिग्ध उपस्थिति, नियत ऑन प्राइम अभी देखे। इस फिल्म में विद्या बालन ने CBI अधिकारी मीरा राव की भूमिका निभाई है, जो एक अरबपति की रहस्यमय हत्या की जांच करने की प्रभारी है। विद्या बालन के अलावा फिल्म में राम कपूर, प्राजक्ता कोहली, राहुल बोस, शशांक अरोड़ा, सहाना गोस्वामी, नीरज काबी, अमृता पुरी और शेफाली शाह जैसे कई कलाकार शामिल हैं। रिलीज से पहले दर्शकों के नियति की तुलना हॉलीवुड मर्डर मिस्ट्री 9 आउट से की, क्योंकि दोनों फिल्में एक दूसरे से काफी मिलती जुलती थी। इन तुलनाओं के बारे में पूछे जाने पर विद्या बालन ने बताया था, मुझे लगता है कि ये एक तारीफ है, लेकिन मुझे आपको बताना होगा, मैं टिप्पणियां नहीं पढ़ती, इसलिए मुझे नहीं पता। यह कहने के बाद, एक बहुत ही सफल फिल्म है, इसलिए मैं तुलना से खुश हूँ, क्योंकि हमने अभी तक केवल ट्रेलर जारी किया है। यदि आप इस शैली की 5 फिल्में चुनते हैं, तो आप हिंदी 2 के बीच कई समताएं पाएंगे। विद्या बालन मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस है। वहीं उनकी फिल्म नियत के बारे में बात करें तो यह एक मर्डर मिस्ट्री है, जिसका निर्देशन अनु मेनन ने किया है। विद्या इससे पहले अनु की फिल्म शंकुतला देवी में नजर आ चुकी है। नियत की कहानी अनु अद्वैत कला और गेवानी ध्यानी के जरिए लिखी गई है। नियत की कहानी की बात करें तो यह मर्डर एक इर्द गिर्द घूमती है, जिससे शक के दायरे में सब किरदार होते हैं। हालांकि असली कातिल कौन है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। नियत फिल्म की शूटिंग मई 2022 में UK में शुरू हुई थी, जिसकी जानकारी विद्या बालन ने सोशल मीडिया पर एक मुहूर्त फ्लैप वाली फोटो साझा करके दी थी। इस पोस्ट में के साथ एक्शन ने कैप्शन में लिखा था, अपने पसंदीदा लोगों से कुछ के साथ हाल के दिनों में मैं पट गई, सबसे आकर्षण पटकथाओं में से एक की शूटिंग शुरू करने के लिए उत्साहित हूँ।